तो जैसा कि दोस्तों आप सब में देखिए, इसमें भी लिखा है दसवीं पास, यहाँ भी लिखा है दसवीं पास, इसमें भी है टेंथ पास, और दोस्तों यहाँ भी है टेंथ पास, यहाँ भी है टेंथ पास, और उसमें भी है टेंथ पास। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं कि ऐसी टॉप सिक्स सरकारी वैकेंसी जिसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं केवल दसवीं पास होकर। ठीक है, यदि आपका योग्यता टेंथ है, कितनों भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, यदि आपका 18 उम्र हो गया है, तो आप इन सारे वैकेंसी के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये कौन कौन सा विभाग का दोस्तों वैकेंसी है, आपको इस वीडियो में सारा ए टू जेड हम समझाने वाला है। ये सारा वैकेंसी दोस्तों बहुत ज़्यादा इस पर कॉम्पिटिशन रहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि योग्यता देख सकते हैं आप, सिंपल सा दसवीं पास मांगता है। तो इस पर होता क्या है कि जो जो टेंथ पास है वो भी अप्लाई कर देता है, जो बारहवीं पास है वो भी भर देता है, जो ग्रेजुएट है वो भी भर देता है, पता है इस पे बीटेक एमटेक वाले भी फॉर्म भरते हैं। तो ये वैकेंसी दोस्तों आप लोगों के लिए काफी बढ़िया वैकेंसी है, आपका कुछ भी योग्यता है आप इस पे फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका कुछ भी योग्यता है, आप टेंथ पास तो जरूर होंगे। ठीक है, तो ये सारा वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। इसका फॉर्म कब, किस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई होता है, सारा ए टू जेड बताएंगे। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर हर प्रकार का सरकारी वैकेंसी से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट आता है हम बढ़िया से बोर्ड में लिख के समझा देते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ है कि दसवीं लेवल टॉप सिक्स नई सरकारी वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करें, यहां पर एक भी प्राइवेट जॉब के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक नंबर की जो वैकेंसी है, सबके सामने विभाग मैंने लिख दिया है, ये वैकेंसी जो हर साल निकाला जाता है, जो कि है एसएससी की तरफ से दोस्तों, ये वैकेंसी आती है एसएससी जीडी कांस्टेबल। ठीक है, जीडी मतलब होता है जनरल ड्यूटी, जो कि दोस्तों आप किसी भी फोर्सेस में जा सकते हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, एनसीबी, इन सारे सेंट्रल फोर्सेस में आप एज अ कांस्टेबल, एज अ सिपाही, यानी जनरल ड्यूटी के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैकेंसी दोस्तों हर साल आप देखोगे कि इसमें सबसे ज्यादा सीट निकलता है, कभी 40,000, कभी 50,000, कभी 60,000, अभी फिलहाल इस वैकेंसी के लिए टोटल सीट निकला है 26,000। ठीक है, आगे चल के सीट बढ़ जाएगा, तो हर साल इसमें हजारों लाखों में वैकेंसी आता है। तो आप इस पे फॉर्म भर के अपना भविष्य बना सकते हैं। ठीक है, योग्यता इस पे मांगता है दसवीं पास, परसेंटेज वगैरह को कोई जरूरत नहीं होता है, कितनों भी परसेंटेज होगा आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करेंगे तो 18 से 23 साल इस पे एज लिमिट मांगता है, जो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, और यदि आप ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो आपको 3 साल का उम्र में छूट मिलता है, और यदि आप एससी एसटी होते हैं तो आपको 5 साल का उम्र में छूट देखने को मिल जाता है। अप्लाई करने में कितना पैसा देना होता है, तो 100 रुपया देना पड़ता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, बाकी एससी एसटी और महिलाओं का दोस्तों इस पे 00 पेमेंट में फॉर्म फिलअप हो जाता है, यानी आपका पैसा इस पे नहीं लगता है। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों, तो ये वैकेंसी हर साल निकाला जाता है। ठीक है, फिलहाल ये वैकेंसी आ चुका है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी हर साल इसका ऑनलाइन चालू होता है, आपको हम यहां पर अप्लाई डेट भी दिखा रहे हैं, फिलहाल ये वैकेंसी ऑनलाइन चल रही है, आप इंटरेस्टेड हो तो भर दीजिएगा। अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 2 दोस्तों, ये भी वैकेंसी हर साल निकलने वाला वैकेंसी है, जो कि एकदम हर साल आता है और ज्वाइनिंग पक्का टाइम में आपको दे देता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये भी वैकेंसी एसएससी की तरफ से आती है, एसएससी एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी के दोस्तों इसकी तुलना की जाती है, लेकिन ग्रुप डी से काफी बढ़िया वैकेंसी ये होती है, क्योंकि ये ऑफिस वाला नौकरी होता है दोस्तों, ऑफिस में आपको काम करना पड़ेगा, आपके ऑफिस में जो भी साहब होंगे उनको आपको असिस्ट करना होगा, जेरोक्स करना होगा, आपका जो भी फाइल वगैरह उसको मैनेज करना होगा, ऑफिस को खोलना होगा, शाम को लगाना होगा, ये सारा काम आपको करना पड़ता है एमटीएस में। एमटीएस का मतलब होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ। इस पर सीट की बात करेंगे दोस्तों, तो हर साल इस पर लगभग 10,000, 12,000, कभी 8,000 ऐसे सीट निकल के आता है। ये वैकेंसी दोस्तों इस बार कब आने वाली है, सारा ए टू जेड हम बताते हैं। योग्यता इस पे मांगता है टेंथ पास, इस पे परसेंटेज वगैरह का भी कोई दिक्कत नहीं होता है, आपका कितनों भी मार्क्स होता है आप इसके लिए फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इस पे केवल एक एग्जाम होता है, सिंगल एग्जाम, ये डिफेंस का जॉब नहीं है दोस्तों, इस पे हाइट, चेस्ट, रनिंग कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो टेंथ पास का काफी बढ़िया वैकेंसी होता है, फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। उम्र सीमा देख लीजिए, 18 से 25 साल और 18 से 27 साल, इस पे दो तरह का एज लिमिट मांगता है, क्योंकि इस पे
दो तरह का वैकेंसी निकलता है, एक निकलता है एसएससी एमटीएस और दूसरा होता है हवलदार का, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग एज लिमिट मांगता है, एक में 25 एक में 27। ओबीसी को 3 साल छूट मिल जाता है और एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाता है। अप्लाई करने में दोस्तों मात्र 100 रुपये पैसा लगता है इस पर, बाकी अदर कैटेगरी को दोस्तों पैसे नहीं लगते हैं। जैसे कि यदि आप एससी एसटी और महिला कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर पीएच कैंडिडेट हैं तो आपका इस पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों तो अप्रैल 2024 में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। ये वैकेंसी दोस्तों हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इस बार ये वैकेंसी अप्रैल मई 2024 में आने वाला है, तो आप इसके लिए फॉर्म को जरूर से जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों वैकेंसी नंबर 3 के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये वैकेंसी कहां से निकल के आती है, तो ये वैकेंसी निकल के आता है डाक विभाग के द्वारा। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि इंडिया पोस्ट नाम का एक विभाग होता है, जो कि हर साल ये वैकेंसी निकलती है और हर साल दोस्तों इस पे लगभग 40,000 50,000 कभी 38,000 इस तरह से दोस्तों सीट हर साल निकाला जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों इंडिया पोस्ट में जीडीएस का, यानी ग्रामीण डाक सेवक का, ठीक है, जिसपे 10वीं के परसेंटेज के आधार पर इस पे सिलेक्शन होता है। इस पे किसी भी प्रकार का आपको कोई एग्जाम देना नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक ये प्रोसेस चलता आ रहा है दोस्तों, अभी तक तो चलता ही आ रहा है कि बिना एग्जाम का इस पे सिलेक्शन होता है। आपके 10th के परसेंटेज ऑफ मार्क्स के आधार पर इस पे मेरिट बनता है और फिर आपका इस पे डायरेक्ट जॉइनिंग हो जाता है। इस पे परीक्षा नहीं लिया जाता है दोस्तों, योग्यता मांगता है 10th पास। फॉर्म को भरने के लिए किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज ऑफ मार्क्स का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आपका सिलेक्शन आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स के आधार पर ही होगा। यदि आपका 33% भी मार्क्स है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इस पे सिलेक्शन यदि देखिएगा तो 90% 95% 89% इस तरह विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता आ रहा है। तो यदि आपका अच्छा खासा परसेंटेज है तो आप इसके लिए भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उम्र सीमा देख लीजिए, इस पे कम से कम 18 साल एज लिमिट मांगता है, अधिक से अधिक 40 साल, ये हम बता रहे हैं जनरल कैंडिडेट का। यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल आपको छूट मिल जाएगा, यदि आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का उम्र में छूट देखने को मिलता है। अप्लाई करने में कितना पैसा लगता है दोस्तों, मात्र 100 रुपये लगता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, बाकी सभी का दोस्तों इस पे पेमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये ऑल इंडिया के वैकेंसी होती है, पूरे भारत के विद्यार्थी इस पे फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए अप्रैल मई और जून, ये 3 महीना के अंदर कभी भी इसका फॉर्म अप्लाई होना चालू हो सकता है, क्योंकि हर साल ये वैकेंसी आती है। कभी कभी मार्च में भी फॉर्म देखने को मिलता है, कभी कभी फरवरी में भी आ जाता है। तो इंडिया पोस्ट दोस्तों आप लोगों को हर साल ये वैकेंसी देती है, तो आप इसके लिए भी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये वैकेंसी दोस्तों 2024 में बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडिया पोस्ट जिसको बोलते हैं भारतीय डाक में जीडीएस का, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों वैकेंसी नंबर 4, ये कौन सा विभाग है। तो देखिए दोस्तों ये जो वैकेंसी निकल के आता है, ये हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे का, ठीक है, भारतीय रेलवे की बात करें दोस्तों। इस पे 10th लेवल का कौन कौन सा सीट निकलता है तो ध्यान दीजिएगा, इस पे दोस्तों पोस्ट जब भी निकलता है तो लाखों में सीट निकलता है, क्योंकि ये वैकेंसी हर साल नहीं आती है। ये वैकेंसी 3 साल 4 साल कभी कभी 5 साल पर भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। जब भी इस पे सीट निकलता है 80,000 90,000 1,00,000 के ऊपर भी आपका सीट निकल के आता है। इस पर दोस्तों 10th लेवल पर कई प्रकार की वैकेंसी निकाली जाती है, जैसे कि पहली वैकेंसी होती है रेलवे ग्रुप डी की, यदि आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस पे आईटीआई भी मांगता है 10th के साथ साथ। इसके साथ दोस्तों इस पे एएलपी टेक्नीशियन का भी वैकेंसी निकलता है, जो कि 10th लेवल की वैकेंसी होती है। इसके साथ साथ रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का भी वैकेंसी होता है, जो कि 10वीं स्तर का काफी बढ़िया जॉब होता है। तो दोस्तों रेलवे में भी आप 10th पास करके बढ़िया नौकरी ले सकते हैं, तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। 2024 में रेलवे में दोस्तों कई प्रकार की वैकेंसी आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हर प्रकार का नौकरी का अपडेट आपको हम देते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों सीट तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका कोई सीमा नहीं होता, हर साल नहीं आता है वैकेंसी, कभी कभी आता है, और लेकिन सीट बहुत बढ़िया निकलता है। योग्यता 10th पास मांगता है, परसेंटेज वगैरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। उम्र सीमा की बात करेंगे तो कम से कम 18 साल इस पे एज लिमिट मांगता है सभी पोस्ट में दोस्तों, और बाकी दोस्तों अधिकतम उम्र की बात करेंगे तो अलग अलग उम्र सीमा इस पे मांगा जाता है। एएलपी टेक्नीशियन में अलग उम्र सीमा होती है, आरपीएफ में अलग होता है, रेलवे ग्रुप डी का अलग होता है। तो कहने का मतलब यदि आपका 35-36 साल तक भी यदि एज हो जाते तो भी आप इस पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि आरपीएफ में नहीं कर सकती, क्योंकि उस पे दोस्तों 25 साल 27 साल 30 साल इस तरह मांगता है। 3 साल ओबीसी को छूट मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का दोस्तों उम्र में छूट देखने को मिल जाता है। अप्लाई करने में दोस्तों 500 रुपये पेमेंट लगता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, बाकी दोस्तों एससी एसटी और महिलाओं का इस पे 250 रुपये पेमेंट लगता है। हालांकि एग्जाम में बैठने के बाद आपका पैसा रेलवे रिफंड कर देती है, पैसा वापस मिल जाता है, ठीक है। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों तो 2024 के शुरू में उम्मीद है कि आपको रेलवे का वैकेंसी देखने को मिलेगा, तो आप एकदम फुली प्रिपेयर्ड रहिए, अपनी तैयारी
को जोर शोर से कीजिए और एक नौकरी दोस्तों पक्का लेकर के दिखाइए। अब दोस्तों अगली जो वैकेंसी है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये वैकेंसी कहां से निकल के आती है, तो देखिए दोस्तों ये वैकेंसी डिफेंस का जॉब है, ये दोस्तों हर साल निकल के आता है, हम लोग बात कर रहे हैं अग्निवीर का। इंडियन आर्मी में अग्निवीर में दोस्तों आप ज्वाइनिंग ले सकते हो इंडियन आर्मी में, और इंडियन नेवी में MR दोस्तों यदि आप बनना चाहते हैं मैट्रिक लेवल जो रिक्रूट होता है उस पर 10th पास की वैकेंसी होती है। तो अग्निपथ योजना में दोस्तों आप जाने के लिए इस पर 10th पास का जरूरत है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो भर सकते हैं। इस पर सीट दोस्तों हर साल काफी अच्छा संख्या में वैकेंसी निकलता है, 10,000, 12,000, 8,000 इस तरह से सीट निकलता है दोस्तों। योग्यता मांगता है केवल 10वीं पास, हालांकि इस पर 10th में कभी कभी परसेंटेज का भी डिमांड होता है, आप लोग देखे होंगे 45%, 50%, तो इस तरह से परसेंटेज का भी इस पर जरूरत पड़ता है। लेकिन दोस्तों इस पर आपका बहुत ज्यादा यंग होना जरूरी है, 17.5 से 21 साल तक यदि आपका एज है तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस पर, क्योंकि दोस्तों हमारी सेना जो है पूरी तरह से लगी हुई है हमारी सरकार कि इंडियन आर्मी को एकदम यंग बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये एज लिमिट इसमें मांगता है। अप्लाई करने में दोस्तों 100 रुपये पेमेंट लगता है, ज़्यादा कोई बड़ा पैसा नहीं लगता है, तो इंटरेस्टेड होंगे एज लिमिट होगा तो आप हर साल इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों तो ये वैकेंसी हर साल आप लोगों को देखने को मिलता है, कभी मई में, कभी जून में, कभी अगस्त में दोस्तों ये वैकेंसी आता है, लेकिन हर साल आता है, आप इसके लिए एकदम 100% तैयारी कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों वैकेंसी नंबर जो लास्ट है दोस्तों, उससे पहले आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि हमारा एक दोस्तों टेलीग्राम चैनल है जिस पर सारा वैकेंसी का आपको PDF हम डाल करके देते, वहां से हर वैकेंसी का आपको जानकारी मिल जाता है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका नाम है मोहन सर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि लिंक काम नहीं करेगा तो आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में जाकर के मोहन सर, ये मेरा ब्लू वाला जो फोटो दिखेगा ओरिजिनल दोस्तों यही है, लगभग 13,000-14,000 फॉलोवर है उस पे, तो जाकर के आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां हर प्रकार का PDF आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वैकेंसी नंबर जो लास्ट है, वैकेंसी नंबर 6, ये कौन सा वैकेंसी दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों स्टेट पुलिस का, ठीक है। राज्य पुलिस की दोस्तों हर साल वैकेंसी निकल के आती है किसी राज्य में, जैसे झारखंड में अभी 2024 में दोस्तों झारखंड पुलिस निकलने वाला है, बहुत पहले से डिमांड चल रहा है, बहुत पहले से चर्चा चल रही है कि झारखंड पुलिस आएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत पहले 7-8 साल से झारखंड पुलिस नहीं आया है, तो झारखंड में सिपाही की बंपर पदों पर भर्ती होने वाली है, उस तरह से उत्तर प्रदेश में भी सिपाही की बंपर भर्ती होगी। तो दोस्तों किसी किसी राज्य में आप देखोगे कि 10th पास पर वैकेंसी निकलता है राज्य पुलिस के लिए, जैसे कि झारखंड पुलिस 10th पास पर होती है, यूपी पुलिस खैर 12th पास पर होता है, आप लोगों को पता है। तो दोस्तों इस पे भी सीट बहुत अच्छा निकल के आता है, 30,000, 35,000, 10,000, 14,000 इस तरह से सीट दोस्तों निकल के आता है, लेकिन यह कोई फिक्स नहीं है कि कितना सीट निकल के आएगा। और ये वैकेंसी दोस्तों रेगुलर वैकेंसी नहीं होती है, हर साल ये वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ कुछ इंटरवल में, कभी 2 साल में एक बार, कभी 3 साल गैप करके इस तरह से दोस्तों ये सीट निकल के आता है। योग्यता मांगता है 10th पास, आप किसी भी राज्य के विद्यार्थी हैं तो आप पता करते रहिएगा कि आपके राज्य में क्या पुलिस की वैकेंसी आई है कि नहीं आई है, तो उस पर 10th पास योग्यता दोस्तों मांगता है। उम्र सीमा की बात करेंगे दोस्तों तो 18 से 25 साल इस पर एज लिमिट मांगता है, बाकी दोस्तों BC, EBC, OBC, EWS, SC, ST इन लोगों को दोस्तों छूट मिल जाता है उम्र में, ठीक है, 3 साल, 2 साल, 5 साल इस तरह से उम्र में छूट देखने को मिल जाता है दोस्तों। ये हर राज्य का अपना अपना अलग अलग रूल होता है। अप्लाई करने का फी दोस्तों बात करेंगे तो अलग अलग पेमेंट हर राज्य मांगती है, जैसे कि आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में 400 मांगता है, बिहार में 540 मांगता है, झारखंड में 100 रुपया मांगता है, तो हर राज्य की अपनी अपनी डिमांड होती है दोस्तों, अपना अलग अलग पेमेंट प्रोसीजर होता है। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों तो ये फिक्स नहीं होता है कि कब इसका फॉर्म अप्लाई होने वाला है, लेकिन झारखंड में अभी आगामी एक वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में आगामी एक वैकेंसी है, जो कि दोस्तों पुलिस विभाग में बंपर पदों पर भर्ती निकल के आ रही है, इसका अप्लाई भी चालू होगा। तो दोस्तों 10th लेवल की ये 6 ही वैकेंसी नहीं है, इसके अलावा IB में भी 10th पास पर वैकेंसी निकलता है, इसके अलावा बहुत सारा ऐसा विभाग है जो कि 10th पास में आप जा सकते हैं, फॉर्म भर के सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। ये दोस्तों हम आपको कुछ ऐसी वैकेंसी के बारे में बताएं जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, हर साल ये वैकेंसी निकल के आता है और बहुत ज्यादा इस पर कॉम्पिटिशन होता है, हर साल विद्यार्थी इसके लिए फॉर्म भरने के लिए मतलब बेकाबू रहते हैं कि कब इसका वैकेंसी आएगा, हम कब इसका फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों जैसे ही वैकेंसी निकलेगा हम सारा वीडियो आप लोगों को बना करके देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को सारी चीजें मैंने बहुत ही बढ़िया ढंग से समझा दिया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।